अकाली दल वाले बीजेपी वाले कहते थे झूठ बोल रहे हैं, पंजाब के ऊपर तो इतना कर्जा है, पंजाब का बजट तो घाटे में चल रहा है। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर हमने आपके बिजली के बिल 0 कर दिए पूरे पंजाब के। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं आपको राजनीति करनी नहीं आती, इतनी जल्दी वादे और गारंटी पूरी नहीं की जाती। वादे और गारंटी तो आखिरी साल में पूरी करते हैं, जनता भूल जाएगी। सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। दोस्तों एक साल पहले आप लोगों ने जम के वोट दिया था हम लोगों को, 117 में से 92 सीट दी थी। अपने प्यारे छोटे भाई अपने प्यारे बेटे भगवंत मान को आपने पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया था। हमने आपके सामने कई वादे किए थे, पिछले एक साल में एक एक करके हमने अपने वादे अपनी गारंटी पूरी करनी चालू कर दी है। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं आपको राजनीति करनी नहीं आती, इतनी जल्दी वादे और गारंटी पूरी नहीं की जाती। वादे और गारंटी तो आखिरी साल में पूरी करते हैं, जनता भूल जाएगी। हम उनको कहते हैं हम यहां राजनीति करने नहीं आए, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं किस किस का बिजली बिल 0 हो गया, जरा हाथ खड़ा करके बता दो। सबके बिजली बिल 0 हो गए, सबके बिजली बिल 0 हो गए। लोगों को यकीन नहीं था, जब पिछली बार चुनाव के पहले मैं और भगवंत मान जगह जगह जाके कहते थे हम आपके बिजली बिल 0 कर देंगे, तो उधर से कांग्रेस वाले कहते थे झूठ बोल रहे हैं, पंजाब का बजट तो घाटे में चल रहा है, पंजाब के ऊपर तो इतना कर्जा है। अकाली दल वाले बीजेपी वाले कहते थे झूठ बोल रहे हैं, पंजाब के ऊपर तो इतना कर्जा है, पंजाब का बजट तो घाटे में चल रहा है। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर हमने आपके बिजली के बिल 0 कर दिए पूरे पंजाब के। और मेरे बगल में अभी चीमा साहब बैठे थे, हमारे वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर खजाना मंत्री, वो मेरे को बता रहे थे पिछले एक साल में जितने हेड हैं, जितने मद हैं, हर हेड के अंदर खूब पैसा आ रहा है, हर हेड के अंदर खूब पैसा आ रहा है। कैसे पैसा आ रहा है? ये पैसा तो पहले भी था, अभी कोई नया पैसा थोड़ी आ रहा है। ये सारा का सारा पैसा पहले उनकी जेब में जाता था, ये सारा का सारा पैसे पहले उनकी पार्टियों के नेताओं के स्विस बैंकों के अकाउंट में जाता था, अब ये सारा पैसा पंजाब के खजाने में जाने लगा है। अब इन पैसे से आपके बिजली के बिल 0 होने लगे हैं। कोई भगवंत मान अपने घर से तो पैसे दे नहीं रहे, केजरीवाल अपने घर से तो पैसे दे नहीं रहे, आप ही का पैसा है, आप ही टैक्स देते थे, पहले भी टैक्स देते थे, अब भी टैक्स दे रहे हो। पहले ये सारा पैसा चोरी होता था, अब इस सारे पैसे से आपके बिजली के बिल 0 होने लग गए। अब बिजली के पावर कट खत्म होने लगे हैं, 24 घंटे बिजली आने लगी है। मेरे को बताया गया जलंधर के अंदर 38 मोहल्ला क्लिनिक बन गए, 38 मोहल्ला क्लिनिक बन गए, और अभी कई सारे मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हैं। कोड लग गया, कोड लगने की वजह से चालू नहीं हुए, इन सारे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर पूरा इलाज फ्री, दवाइयां फ्री, टेस्ट फ्री, आप बस अंदर जाओ अपनी बीमारी बताओ, सब कुछ फ्री है, एयर कंडीशन मोहल्ला क्लिनिक। कभी देखी थी ऐसी सरकार? पहली बार ऐसी सरकार आई है जो सीधे जनता के लिए काम कर रही है।
हमने तो कहा था 5 साल में करके दिखाएंगे, अभी से कितने सारे काम शुरू हो गए। अभी जैसे मान साहब ने बताया 28,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं, 28,000 बच्चों को, और अभी आने वाले सालों के अंदर कई लाख बच्चों को सरकारी और प्राइवेट नौकरी देने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। कितने बच्चों को, 25,000 से ज्यादा बच्चों को पक्का कर चुके, जो कच्चे एम्प्लॉय होते थे पहले पंजाब के अंदर, बच्चे टंकियों पे चढ़े रहते थे, अब कहीं सुनने को नहीं मिलता कोई बच्चे टंकियों के ऊपर चढ़े हुए। सारे बच्चों को एक एक करके सब बच्चों की नौकरी पक्की करते जा रहे हैं। अभी जैसे मान साहब ने बताया जलंधर की एक एक समस्या इनकी उंगलियों के ऊपर है, जितनी समस्याएं जलंधर की सारी समस्याएं दूर करेंगे। जलंधर में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है सरकारी, बड़ा अस्पताल पीजीआई के जैसा बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा जलंधर के अंदर, ताकि आपको दूर ना जाना पड़े अगर आपकी कोई दिक्कत हो। जितने कूड़े के पहाड़ हैं, ये कूड़े के पहाड़ों की सारी सफाई दिल्ली के अंदर आपसे 10 गुना बड़े पहाड़ हैं। मैंने दिल्ली वहां पे पहाड़ों की वो शुरू कर दी, 1 साल के अंदर दिल्ली के पहाड़ खत्म हो जाएंगे और उससे पहले आपके जलंधर के कूड़े के पहाड़ हम खत्म कर देंगे। आज जब मैं आ रहा था मेरे को कई लोगों ने पर्चियां दी, बोले जी जलंधर कैंप में दीपनगर रोड खराब है, आदमपुर में मेन रोड खराब है, जलंधर वेस्ट में स्मार्ट सिटी रोड खराब है, और भी बहुत सारी होंगी, सारी सड़कें बनवा देंगे, भगवंत मान पे भरोसा रखना, एक एक सड़क आपकी बनवा देंगे। टाइम लगेगा, अभी कई सारे उद्योगपति भी मिलने आए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी मिलने आए थे, उनको भी हमने कहा कि 70 साल में इन्होंने बर्बाद किया है पंजाब को, 75 साल में बर्बाद किया है, एक एक करके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, सारी समस्याओं का समाधान होगा, टाइम लगेगा। हमने माफिया राज खत्म किया, सबसे ज्यादा दिक्कत आई रेता माफिया खत्म करने में, इतना कड़क माफिया था रेता माफिया, बीच में जब खत्म किया पूरे पंजाब के अंदर रेता के दाम बढ़ गए, इतने ज्यादा दाम बढ़ गए, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। अब देखो रेता सस्ता मिलने लग गया, नहीं मिलने लग गया, ऐसे ही टाइम लगेगा, सारी समस्याओं का हल निकलेगा, एक एक समस्या का हल निकलेगा। एससी स्कॉलरशिप, पिछली सरकार के अंदर कई सालों तक एससी स्कॉलरशिप खा गए ये लोग, जिस मंत्री ने आपकी स्कॉलरशिप, आपके बच्चों की स्कॉलरशिप खाई थी, उसको कॉलर से पकड़ के मान साहब ने जेल के अंदर भेज दिया। अब आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने लगी है, मुझे पता चला है कुछ बच्चों को अभी भी पेंडिंग है, लेकिन अगले कुछ दिनों के अंदर जो पेंडिंग स्कॉलरशिप है वो भी सारी मिल जाएगी। नीले कार्ड वालों को थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, नीले कार्ड में कुछ लोगों के शायद गलती से कार्ड कट गए हैं, एक एक गरीब आदमी को राशन दिलाएंगे, किसी भी गरीब आदमी का हक नहीं मरने देंगे। अगर कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गलती हुई है, उसको ठीक करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करना, गरीबों के साथ खड़ी है हमारी सरकार, किसी भी हालत में किसी भी गरीब का हक नहीं मरने देंगे। पिछले 60 साल से जलंधर के अंदर कांग्रेस का एमपी है, 60 साल से आप लोगों ने कांग्रेस वालों को वोट दिया, क्या मिला आपको? कुछ दिया कांग्रेस ने आपको? कुछ नहीं दिया। आपने अपना प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, एक बार हमें भी देके देख लो। पिछले साल आपने पंजाब हमारे हवाले किया, इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, इतना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एक बार जलंधर वाले भी हमारे ऊपर भरोसा करके देखो, कांग्रेस की जगह इस बार हमें वोट देके देखो, एक मौका देके देखो। और दूसरी बात, अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे क्या फायदा होगा? पंजाब में तो हमारी सरकार है, काम तो हमने ही कराने हैं, काम कराने के लिए तो हमारे पास ही आना है। कांग्रेस वाले को वोट दे दोगे वो लड़ाई करेगा, रोज तूतू मैं करेगा, तो लड़ाई करनी है तो उनको वोट दे देना। अपने सारे काम कराने हैं, सड़कें बनवानी है, कूड़े के पहाड़ ठीक कराने हैं, सारे काम कराने हैं,
तो एक बार एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को देके देखो, झाड़ू का बटन दबा देना। फिर से मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, जितने आपके जलंधर के काम है सारे काम मान साहब आपके सारे काम पूरे करेंगे। आपने पिछली बार भी पिछले साल भी चुनाव में हमारे ऊपर विश्वास किया था, मैं पूरी उम्मीद करता हूं इस बार भारी बहुमत से सारे रिकॉर्ड तोड़ के आप जलंधर सीट से रिंकू जी को जिता के लोकसभा के अंदर भेजोगे, झाड़ू का बटन दबाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया।